वेल, रश्मि के एंड उमर के फैंस में छिड़ गई ये बड़ी जंग, और इस जंग में क्या उमर रियाज हो पाएंगे सक्सेसफुल अपने फैंस को शांत कराने के लिए? वेल, ये जंग आखिर क्यों छिड़ी और क्या जवाब दिया है उमर ने अपने ट्विटर पर अपने फैंस को शांत कराने के लिए? आप देख रहे हैं फीफा फूज, में हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब रश्मि ने मीडिया में आकर ये बड़ी बात कह दी कि वो और उमर जो है सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त है। उमर अपनी लाइफ को प्राइवेट पर्सन रखना चाहते हैं, लेकिन उमर की कोई गर्लफ्रेंड है शायद, और इसीलिए आप मुझे उसके साथ ऐसा लिंकअप मत कीजिए, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर जो है उमर के फैंस को आया बड़ा गुस्सा कि उमर अगर प्राइवेट पर्सन है, अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना चाह रहे हैं, तो वो अगर अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं बताना चाह रहे तो आप होती कौन है उनकी पर्सनल लाइफ को बताने वाली। इस तरीके से जो है उमर के फैंस छिड़ गए। तो रश्मि के फैंस ने कहा कि अगर उसकी बाहर कोई गर्लफ्रेंड थी तो जिस तरीके से वो रश्मि के साथ बात कर रहा था बिग बॉस के घर के अंदर, ऐसा लगा तो नहीं कि वो सिर्फ दोस्त की तरह रश्मि को ट्रीट कर रहा था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसे रश्मि पसंद आ रही थी। अगर उसका और रश्मि का नहीं जम पाया और नहीं वो एक साथ रहे, तो इस तरीके से उन्होंने जब रश्मि का साथ छोड़ा तो रश्मि को कितना बुरा लगा होगा, इस तरीके से रश्मि के फैंस कहने लगे। अब इसके ऊपर रश्मि ने भी छिड़कर जवाब दे दिया है। जब कोई उन्हें कुछ कहते हैं, वो कहते हैं तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मेरे मन में जो आया मैं वो करूंगी, इस तरीके से जो है रश्मि का भी रिएक्शन वो दे देती है। लेकिन अब उमर रियाज काफी अलग करते हुए नजर आ रहे हैं, और उमर ने अपने ट्वीट में आग को ठंडा करने की कोशिश करते हुए ये ट्वीट किया हुआ है। कह रहे हैं गाइज एवरीवन नीड टू रिलैक्स, मैं और रश्मि दोनों ही काफी अच्छे दोस्त हैं, एंड मैं चाहता हूं कि आप इस बात की रिस्पेक्ट करें। आपने हमेशा ही मुझे और रश्मि को इतना ज्यादा जो प्यार दिया है, हमेशा प्यार की बारिश की है, सो ये नेगेटिविटी अभी जो फैल रही है ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। प्लीज आप प्यार स्प्रेड कीजिए, हेट्रेड मत स्प्रेड कीजिए। #उमरआर्मी #रश्मियंस को यहाँ पे उमर ने बात समझाने की कोशिश की है, मामले को ठंडा करने की कोशिश की है। कब अब इसके ऊपर क्या रश्मि और उमर के फैंस इस बात को मानकर शांत हो जाएंगे, और क्या जो लड़ाई फिलहाल शुरू है वो थोड़ी सी ठंडी होती हुई नजर आएगी, या फिर एक बार उमर एंड रश्मि के फैंस के बीच ऐसी ही जंग छिड़ी रहेगी? क्या है आपको कहना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू गाइस सून, तब तक लिए टेक केयर।